तुला राशि, करियर और स्वास्थ्य, ये दोनों मामले आपको अगले एक महीने में काफी परेशान कर सकते हैं। एक तरफ करियर की मुश्किलें बढ़ेंगी, करियर की दिक्कतें बढ़ेंगी, और दूसरी तरफ आपके स्वास्थ्य की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। करियर और स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। पुरानी समस्याएं, कोई पुराना मुकदमा हो, कोई पुराना केस हो, कोई पुराना विवाद हो, वो दोबारा से इस समय सामने आ सकता है और दोबारा से सामने आ करके आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए थोड़ा अलर्ट रहना आपके लिए जरूरी होगा। पारिवारिक समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। पति पत्नी के आपसी संबंधों में इस समय दिक्कत आने का समय हो सकता है। तुला वाले इस समय अपने करियर को लेकर के कोई लापरवाही मत करें, और अगर स्वास्थ्य में छोटी मोटी दिक्कत भी होती है तो डॉक्टर से संपर्क करेंगे, उस मामले को नहीं टालेंगे। रोज सुबह अगर आप सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, रोज सवेरे अगर आप सूर्य मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और तुला वालों को ओवरऑल सलाह यही है कि करियर में लापरवाही मत करिएगा, सेहत में किसी भी चीज को नेग्लेक्ट मत करिएगा, नजरअंदाज मत करिएगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस समय। एक, आपका व्यापार कारोबार, यहां पर थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, और आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखना भी जरूरी होगा। कारोबार में, व्यापार में इस एक महीने में थोड़ी मुश्किल रह सकती है, थोड़ी परेशानी रह सकती है, और आपको वैवाहिक जीवन भी आपका परेशान कर सकता है। एक तो वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है, ऊपर से सूर्य का ये राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के जीवन में मुश्किलें बढ़ा सकता है। बेवजह के वाद विवाद से बचिएगा, और ऐसा नहीं है कि ये वाद विवाद केवल बाहर होगा, ऑफिस में होगा, अपने घर में भी अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ और अपने जीवन साथी के साथ झगड़े मत करिएगा। पेट से संबंधित समस्याएं आपको इस समय परेशान कर सकती हैं। पेट की समस्याओं का ध्यान बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो अगर आपकी राशि वृश्चिक है और डाइजेशन में दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करिएगा, चीजें महीने भर में बेहतर हो जाएंगी। अब आप करेंगे क्या? देखिए, अगले एक महीने में 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच में जो भी समय आता है, जो भी रविवार आता है, किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का, गेहूं का या आटे का दान करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर रविवार को गुड़, गेहूं या आटे का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा, किसी भी तरह की बड़ी मुश्किल से आप बचे रहेंगे। धनु राशि की बात करें तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए बढ़िया है। धनु राशि वाले अपने करियर को लेकर थोड़े चिंता में थे, अपने करियर को लेकर के थोड़ी परेशानी में थे, वो परेशानी अब आपकी दूर होगी। करियर के मामलों में और धन के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, और अगर कोई स्थान परिवर्तन होगा तो वो आपके लिए बहुत अनुकूल होगा, बहुत बढ़िया होगा।
आपके शत्रु और आपके विरोधी इस समय परास्त होंगे, आपके शत्रु और आपके विरोधी इस समय आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो धनु वाले ये बात समझ लें कि करियर को लेके पिछले दिनों तक जो प्रेशर इन्होंने झेला है, जो दिक्कतें इन्होंने झेली हैं, वो दिक्कतें निश्चित रूप से दूर होंगी, चीजें बेहतर होंगी, आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। और जो लोग आपके करियर में, आपके जीवन में आपके लिए बाधाएं पैदा कर रहे थे, वो लोग परास्त होंगे, शत्रु और विरोधी आपके सामने अब खड़े नहीं हो पाएंगे। छोटा सा एक काम करिए, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी सफलता भी ज्यादा हो जाएगी। नियमित रूप से लाल रंग का तिलक लगाइए, रोली का या कुमकुम का लाल तिलक नियमित रूप से अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर लगाइए, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। मकर राशि, थोड़ा सा सेहत को लेकर के वार्निंग है आपके लिए, अलर्ट रहिए। खास तौर से अगर आपको पेट की समस्याएं रहती हैं तो उसको लेकर के सतर्क रहिए, क्योंकि इस समय पेट की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। तो स्वास्थ्य का, खास तौर से पाचन तंत्र का, डाइजेशन का बहुत ध्यान रखने की जरूरत अवश्य है। वाहन सावधानी से चलाएंगे, वाहन चलाने में लापरवाही नहीं करिएगा इस समय। एक तो डाइजेशन खराब हो सकता है और दूसरे चोट की चपेट में आ सकते हैं। देखिए, मकर वालों का करियर वैसे बड़े आराम से चल रहा है, करियर में कोई खास मुश्किल नहीं है, लेकिन बेवजह का रिस्क मत लीजिएगा। जब तक बहुत जरूरी ना हो कोई परिवर्तन कर लें या परिवर्तन के लिए प्रयास कर लें, ये अभी बहुत सही नहीं होगा। तो करियर में कोई भी रिस्क लेने से इस समय बचना चाहिए। करियर जिस तरीके से चल रहा है आपको चलने देना होगा। मुख्य रूप से मकर वाले ध्यान रखेंगे वाहन चलाने का, और पेट में अगर दिक्कत होती है तो उसमें लापरवाही नहीं करेंगे। रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को आप जल अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, आपके तमाम रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे हो जाएंगे। कुंभ राशि, एक्वेरियस, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए। यह बात सही है कि आपकी साढ़े साती है, काम का प्रेशर बहुत है, काम का बोझ बहुत है, उसको लेके परेशान मत होइए और अपनी परेशानी में, अपने फ्रस्ट्रेशन में बेवजह का क्रोध मत करिए। शांति रखिए और अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए, क्रोध और वाणी को कंट्रोल में करिए। शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों पर ध्यान दीजिए, आपकी शिक्षा के मामले में, आपके कंपटीशन के मामले में आप लापरवाही करेंगे, एक नंबर से दो नंबर से चूक जाएंगे, सफलता आपके हाथ से फिसल जाएगी, अच्छा नहीं होगा। तो अगर कोई परीक्षा आ रही है, एजुकेशन की कोई बात है, कंपटीशन की कोई बात है, मेहनत बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस समय वहां सफलता मिल सकती है, लेकिन छोटी सी लापरवाही से आपकी मुश्किलें हो सकती हैं। सेहत के मामलों में लापरवाही मत करिएगा, स्वास्थ्य के मामलों में अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। और खास तौर से कुंभ राशि वाले, आराम की कमी की वजह से जो प्रेशर है दिलो दिमाग पर, जो प्रेशर है जीवन में, उसकी वजह से सेहत बिगड़ सकती है। तो एक तो अपना प्रेशर कम करिए, आराम से रहने का प्रयास करिए, और बेवजह क्रोध मत करिए, बेवजह उल्टा सीधा मत बोलिए, अपने रिश्तों को खराब मत करिए।
15 मई से 15 जून तक अपने स्वभाव का, अपने व्यवहार का ध्यान रखें तो आपके लिए बढ़िया होगा। रोज सवेरे सूर्य मंत्र का अगर आप जप करें, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का अगर 108 बार रोज सुबह आप जप करें तो इस समय सूर्य के राशि परिवर्तन की बाधा से आप निश्चित रूप से बचे रहेंगे। मीन राशि, आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है। आप देखिए पिछले 2 महीनों से करियर को लेकर के जूझ रहे हैं, करियर को लेकर के परेशान हैं, मौके हाथ में आते आते छूट जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं वो नहीं बन पा रहा है, वो चिंता अब आपकी समाप्त होगी और आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। अगर आप थोड़ा भी प्रयास करें, थोड़ा भी परिश्रम करें तो रुके हुए काम आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में आपको नए मौके मिल सकते हैं या जो काम आप कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने की संभावना भी बनती है। करियर में नए अवसर और सफलताएं आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगी। इस समय करियर में आगे बढ़ करके काम करिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। संपत्ति या वाहन का लाभ भी आपको हो सकता है, यानी अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं, इस समय कोशिश करने से, प्रयास करने से आपको लाभ होगा। तो जिंदगी आपको नए नए मौके देगी, आपकी बाधाओं को दूर करेगी। करियर को लेकर के कुछ भी करना है, इस 1 महीने का सही इस्तेमाल करिएगा। करियर, पैसा, संपन्नता, मान सम्मान, ये सब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो ये समय आपके लिए और भी ज्यादा शुभ होगा और इस समय में आपके लिए लाभ की संभावनाएं निश्चित रूप से बहुत अच्छी हो जाएंगी।